सो गाइस फाइनली यहाँ पर सैमसंग ने अपने सैमसंग अनपैक इवेंट के अंदर दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 और जेड फ्लिप 4 5G स्मार्टफोन। सो गाइस इन फोनों के प्राइस के बारे में बात करेंगे और क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिले हैं इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर। गाइस आज की इस वीडियो में ओनली बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 5G स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ मिलने वाला है और किस प्राइस बेस पर ये स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। गाइस शुरुआत करेंगे फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो फ्रंट ग्लास देखने को मिलेगा, यानी कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोडक्शन मिल जाएगी। ग्लास बैक देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलने वाला। तो बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन की। तो यहाँ पर आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा, IPX8 की रेटिंग मिल जाएगी, यानी कि वाटर रेजिस्टेंट होने वाला है। अप टू 1.5 मीटर तक आप इसे डुबो सकते हैं पानी के अंदर, वो भी आप इसे 30 मिनट तक पानी में डुबो सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होने वाला है। सो गाइस अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले काफ़ी कमाल की मिलने वाली है। नॉर्मल डिस्प्ले जो होगी वो 6.2 इंचेस के होगी, डायनेमिक एमोड X2 डिस्प्ले 120Hz के स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट के साथ, और यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोडक्शन मिलने वाली है। अंदर की जो डिस्प्ले मिलेगी आपको 7.6 इंचेस की फोल्डेबल डायनेमिक एमोड डिस्प्ले होगी, वो भी X2 वाली 120Hz के स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट के साथ। HDR10+ की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, Wide 1 L1 की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, 1200 nits की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो ब्राइटनेस के मामले में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलेगी। ओवरऑल इस डिस्प्ले की बात की जाए तो मल्टीटास्किंग, बहुत सारे ऐप पर काम करने के लिए, क्योंकि आपको एक टैब के बराबर डिस्प्ले मिलने वाली है। नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो का मजा आप खूब ले पाएंगे, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग सब कुछ अच्छी प्रकार से कर पाओगे। सो गाइस एक बात बोलता हूँ इस फोन के बारे में कि फोल्डेबल स्मार्टफोन के यार जलवे ही अलग होते हैं। बस क्या कहूँ मैं इस फोन के बारे में, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। डिस्प्ले तो काफी बढ़िया मिलेगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको डिस्प्ले के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टल सपोर्ट भी देखने को मिलने वाली है। सो गाइस अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगी, पावरफुल गेमिंग चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जनरेशन 1 वाली चिपसेट, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन बनी हुई चिपसेट है। सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टोकोर सीपीयू परफॉर्मेंस मिलने वाली है 64 बिट वाली 3.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड के साथ। तो सीपीयू परफॉर्मेंस भी आपको तगड़ी मिलेगी, 8730 का यहाँ पर GB मिल जाएगा, काफी फास्ट स्मूथ रेंडरिंग के साथ आने वाला है। तो डिस्प्ले इतनी बड़ी है, गेमिंग तो आप तगड़ी करने वाले हैं यहाँ पर आपको शिकायत नहीं आएगी। UFS 3.1 वर्जन वाला स्टोरेज एंड LPDDR5 वर्जन वाला यहाँ पर रैम देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन 3 मिनट में देखने को मिलेगा, 12GB 256GB 12GB 512GB एंड 12GB 1TB का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 मिलेगा और सैमसंग का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा 4.1.1, जो कि लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलने वाला है इस फोन के अंदर। सिक्योरिटी के तौर पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, नैनो सिम और एक ई सिम भी आप लगा सकते हैं इस फोन के अंदर। सो गाइस अब बात करते हैं फोन के कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर आपको 5-5 कैमरे देखने को मिलने वाले हैं सैमसंग जेड फोल्ड 4 5G स्मार्टफोन के अंदर। बैक में आपको 3 कैमरे देखने को मिलेंगे, 50MP का मेन सेंसर मिल जाएगा विद OIS की सपोर्ट, एंड दूसरा जो कैमरा होगा वो 10MP का होगा, टेलीफोटो विद OIS की सपोर्ट एंड 3x ऑप्टिकल जूमिंग के साथ आएगा। 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, 8K एंड 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाएगा आपको यहाँ पर। तो ये बात काफ़ी बढ़िया होने वाली है। अंडर डिस्प्ले में आपको 4MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि अंदर की तरफ होगा। डिस्प्ले में आपको 10MP का बाहर की तरफ कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो कैमरा सेटअप काफी बढ़िया मिलने वाला है, यहाँ से आपको शिकायत नहीं आएगी। 8K एंड 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। ऑडियो क्वालिटी में आपको स्टीरियो स्पीकर मिलने वाले हैं, वो भी हरमन कार्डन की ट्यूनिंग के साथ। तो ऑडियो क्वालिटी काफी बढ़िया मिलेगी, यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। जैक देखने को नहीं मिलने वाला इस फोन के अंदर। ब्लूटूथ 5.2 वर्जन देखने को मिल जाएगा, Wi-Fi 6E मिल जाएगा, वो भी डुअल बैंड, NFC सपोर्टेड होने वाला है ये स्मार्टफोन। फोन के बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 4400mAh की बैटरी प्लस 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगी। वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी आपको 15W की एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी आपको 4.5W की। तो बैटरी डिपार्टमेंट से भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं मिलेगी। फोन के प्राइसिंग की बात करें, जो बेस वेरियंट होगा 12GB 256GB उसके प्राइस देखने को मिलेंगे 1,52,000, इस प्राइस पर वो देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। गाइज रुके जरा, अब मैं बताता हूँ जेड फ्लिप 4 5G स्मार्टफोन के प्राइस। जो बेस वेरिएंट होगा 8GB 128GB उसके प्राइस देखने को मिलेंगे अराउंड 93,000, ये 93,000 में मिलने वाला है स्मार्टफोन। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।